क्या कर रही हो? या आप पैच हुश हैं, खेल रही हो? और अभी आपकी पिटाई हुई है, आज इसकी पिटाई हुई है। गंदी बच्ची, ओ गंदी बच्ची, ऐसी पैसों से प्यार कर रहे हो आप? रीमू आज अली जा रही है, हैं? ओली मैया, और आपा डापा जू करके दिखाना। ओली मैया मेरे बाबू के लग गई, और ऐसा करना आपा डापा कैसे करते हो रीमू? अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ किचन से कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। अपी जा रही हैं, जावेद भाई उन्हें लेने आ रहे हैं, तो चलिए दिखाते हैं आज क्या क्या पका रहे हैं। और देखिए एली, ये एली है। आप जा रहे हो आज? आपके पापा आ रहे हैं? अब क्या कहोगे छक्को? हेलो कह दो, भाग गई। तो चलिए आज क्या क्या करते हैं सारे दिन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। और ये देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल की चाट। कैसे बनती है ये मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने चने की दाल इसे भिगो दी थी कम से कम 2-2.5 घंटे। अब मैं इसे उबलने के लिए रखती हूँ, तो दिखाती हूँ, इसे पहले धो लेती हूँ। और ये देखिए मैंने दाल धो के इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला है ताकि दालों के अंदर नमक आ जाए, और इसके उबलने के लिए रख दिया। अब इसके अंदर मैं 2 सीटी लूँगी। ये देखिए दाल बॉईल हो गई है, और मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया है, 1 टमाटर और ये हरा धनिया चॉप कर लिया है। अब मैं बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या डालते हैं। ये देखिए दाल में ले लेते हैं इस बॉयल में, थोड़ा सा नमक मैंने इसे बॉईल करते हुए डाला था, यानी कि उबालते हुए। हालांकि दाल मेरी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, आप इससे थोड़ा सा कम रखें ताकि दाल खिली खिली नज़र आए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा और नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। और उसी तरह लाल मिर्च आपको ज़्यादा खानी है या कम, मैं मीडियम ले रही हूँ 1 चम्मच। और 1/2 चम्मच चाट मसाला। और इसी के अंदर मैं ये चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ, टमाटर, हरा धनिया बाद में डालूँगी। अब बस हमारी चाट तैयार है। ये चाट बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इसके अंदर खीरा भी ऐड कर सकते हैं बारीक बारीक चॉप करके, और नींबू डाल लें। अब इसके अंदर हम ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान लग गया है। ये रिंशा बैठी हुई है, रोज़े का इंतज़ार हो रहा है। तो चलिए अब रोज़ा करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। रोज़ा इफ्तार हो गया है, अब अपी जाने की तैयारी कर रही है। एली सो गई थी तो वो उठ गई है, अब अपी उसे तैयार कर रही हैं। इधर रिमशा काफ़ी कंफ्यूज है, वो सोच रही है एली को क्यों तैयार कर रहे हैं, एली कहाँ जा रही है, कहीं वो घूमने तो नहीं जा रही है, क्योंकि रिमशा एली की दोस्ती बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए रिमशा काफ़ी कन्फ्यूज़ है। और ये तीनों बच्चे अप्पी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चीनू, कश्यप, उज्मा, और क्लोज भी अप्पी से बहुत ज़्यादा हैं, तो सब बहुत ज़्यादा सैड हैं कि अप्पी जा रही हैं। और अब हम अप्पी को सी ऑफ करने आ गए हैं। अप्पी भी आप सबको यानी कि मेरे सारे सब्सक्राइबर को बाय बाय बोल कर गई हैं। हमने कहा है फिर जल्दी से आ जाना, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, और रिमशा तो अप्पी को छोड़ के आके बहुत ज़्यादा रोई थी, उसे देख के हम लोग भी सब काफ़ी इमोशनल हो गए थे।
और ये देखिए अब कश्यप रिमशा के स्नैपचैट पे अलग अलग फिल्टर लगा के फ़ोटो खींच रही है, तो रिमशा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है और एक्टिंग करके दिखा रही है। उसे लग रहा है कि ये कोई और है, उसी तरीके से एक्टिंग कर करके अपने फ़ोटो खिंचवा रही है और काफ़ी खुश हो रही है।